नमस्कार, सुप्रभात। दीपावली की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, आप देख रहे हैं हेलो नवभारत। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। पीएम जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर सीमा की रक्षा में तैनात जवानों के साथ आज दिवाली मनाएंगे। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, वो हमेशा ही जवानों संग दिवाली मनाते आ रहे हैं। वो हर साल जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने के लिए देश की सीमाओं का दौरा करते आ रहे हैं। ऐसे मौकों पर जवानों से मिलकर पीएम मोदी उनके साथ वक्त बिताकर मिठाइयां बांटते हैं। पीएम मोदी इससे पहले जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सीमा पर तैनात जवानों के बीच दिवाली मना चुके हैं। दिवाली के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने देश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने देशवासियों को पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए घटाई गई है। नए दाम आज से लागू हो चुके हैं। केंद्र सरकार के इस कदम के बाद कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने का फैसला किया और वैट घटाया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में और कमी आ गई। जिन राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर लगे वैट में राहत दी है, उनमें यूपी, बिहार, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक, गोवा और उत्तराखंड शामिल हैं। यूपी में तो आज से डीजल और पेट्रोल की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर कम हो गई है। वहीं हिमाचल सरकार ने भी जल्द राज्य में वैट घटाने की बात कही है। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को आखिरकार भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को WHO से मंजूरी मिल गई। बुधवार को ही WHO की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की बैठक में कोवैक्सीन को इमरजेंसी लिस्टिंग में शामिल कर लिया गया। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने WHO से इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के लिए जुलाई के महीने में आवेदन किया था, जिसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और अब जाकर इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली। अभी तक सिर्फ भारत में कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी थी और इसके चलते कई देशों ने कोवैक्सीन लगवाने वाले लोगों को ट्रेवल की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन अब WHO की ओर से अप्रूवल मिल जाने के बाद ये बाधा दूर हो गई है। WHO की ओर से मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के लोगों और वैज्ञानिकों को बधाई दी और इसे देश के लिए गौरव बताया। क्रूज ड्रग्स मामले में एक नई बात सामने आई है। आर्यन खान के जेल जाने के बाद शाहरुख खान को न सिर्फ बॉलीवुड स्टार का साथ मिला बल्कि कई नेता भी शाहरुख खान के समर्थन में खड़े हो गए, जिनमें अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी नाम सामने आया है। खबर है कि आर्यन खान के जेल जाने के बाद राहुल गांधी ने शाहरुख खान को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें शाहरुख का हौसला बढ़ाते हुए राहुल ने लिखा था कि देश आपके साथ है। बताया जा रहा है कि आर्यन को मुंबई के आथर रोड जेल भेजे जाने के 6 दिन बाद 14 अक्टूबर को राहुल गांधी ने यह खत लिखा था। उस दौरान शिवसेना और NCP समेत देश के कई राजनीतिक दल आर्यन खान के सपोर्ट में उतरे थे। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को 28 दिन जेल में रहने के बाद आर्यन खान जमानत पर बाहर आ चुके हैं। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव के लिए इलेक्शन अथॉरिटी के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मधुसूदन मिस्त्री ने चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों के नाम की लिस्ट सोनिया गांधी के पास भेजी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के लिए 1 PRO और 2 APRO की नियुक्ति की जाएगी। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख CWC तय करती है, जो कि बीते 16 अक्टूबर को हुई CWC की बैठक में तय हो चुकी है। कांग्रेस के संविधान के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए कोई भी पार्टी का सदस्य चुनाव लड़ सकता है। उस उम्मीदवार को 5 रुपए देकर आवेदन फॉर्म भरना होता है। और अब देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। दिल्ली में आज केजरीवाल सरकार दिवाली उत्सव मनाएगी। इसमें अयोध्या के राम मंदिर की भव्य झलक देखने को मिलेगी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का मॉडल तैयार किया गया है और इस मंदिर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कैबिनेट के साथ गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे। ये पूजा शाम 7 बजे से शुरू होगी, जिसे झंडे वालान माता मंदिर के पंडित करवाएंगे।
इसके अलावा मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल का भजन संकीर्तन भी होगा। इसके अलावा मशहूर भरतनाट्यम कलाकार गीता चंदन गणेश वंदना करेंगी। त्यागराज स्टेडियम में राम मंदिर का जो मॉडल तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई करीब 60 फीट है और चौड़ाई करीब 110 फीट। राम मंदिर के प्रारूप को तैयार करने के लिए यहां पर पिछले कुछ दिनों से काफी जोर शोर से काम चल रहा था। सीएम योगी के कब्रिस्तान वाले बयान पर यूपी की सियासत गर्म आ गई है। अयोध्या में एक दिन पहले हुए दीपोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य में उनकी सरकार बनने से पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पैसा खर्च होता था, लेकिन आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और उन्हें सुंदर करने पर खर्च हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। विरोधियों पर सीएम योगी का ये वार यहीं नहीं रुका। आगे उन्होंने कहा कि 1990 में अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, तब जय श्री राम बोलना और राम मंदिर की बात करना अपराध माना जाता था, लेकिन 31 साल पहले राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले आज लोकतंत्र की ताकत को समझ चुके हैं। राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने देश में चल रहे विकास के काम का भी जिक्र किया और पीएम मोदी की जमकर तारीफ। राजस्थान के दौसा में एक पटाखे की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में आग लगते ही अंदर मौजूद पटाखों में धमाके शुरू हो गए, जिससे आसपास मौजूद लोगों में खौफ फैल गया और वो इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में पटाखे बेच रहे युवक की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त दुकान में बड़ी संख्या में ग्राहक मौजूद थे, तभी अचानक दुकान में आग लग गई और फिर उसने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के बाद एक युवक मौके पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल दुकान में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली के मामले में अब अचानक एक नया मोड़ आ गया है। इस मामले की जांच के लिए गठित चांदीवाल आयोग को एक एफिडेविट दिया गया है। यह एफिडेविट मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से भेजा गया है, जिसे उनके वकील ने आयोग को दिया है। इस हलफनामे में परमबीर सिंह ने बताया है कि उनके पास महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अनिल देशमुख को वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 3 दिन पहले ही ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनसे करीब 12 घंटे तक पूछताछ की थी, इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अभी वो 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में हैं। वहीं परमवीर सिंह वसूली के मामले में भगोड़े घोषित हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने ही गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था और उसकी वजह से उनकी कुर्सी चली गई थी। बिहार के गोपालगंज में 10 लोगों की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इनमें से कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चले जाने की बात सामने आ रही है। फिलहाल मोतिहारी के सरकारी अस्पताल में सभी का इलाज किया जा रहा है। जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों ने आशंका जताई है कि ये मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और बाकी 3 शवों का अंतिम संस्कार करा दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं जिला प्रशासन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि मौत की सही वजह का पता चल सके।
आज पूरा देश दीपावली का त्यौहार मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए जवानों के बीच में पहुंचेंगे। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिवाली मनाएंगे। यहां पर पीएम मोदी फावर पोस्ट का दौरा भी कर सकते हैं। इससे पहले साल 2019 में भी पीएम मोदी ने राजौरी सेक्टर में जवानों के साथ में दिवाली मनाई थी। ২০২১ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के साथ में दीपावली मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के नौशेरा भी जा रहे हैं और ये लगातार 8वां साल है जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली का पर्व जवानों के बीच में मनाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे पिछले 7 सालों की जो दिवाली है वो जवानों के साथ में रही। 2014 की बात करें, भारत चीन बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी थे। 2015 में डोगराई पंजाब में थे, हर्षिल उत्तराखंड में। 2018 में थे भारत चीन बॉर्डर। 2016 गए थे जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर। 2017 गए थे राजौरी। 2019 और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर। 2020 में लोंगेवाला राजस्थान पर प्रधानमंत्री ने दिवाली मनाई थी। भारत माता की, भारत माता की। दीपावली के इस पावन पर्व साल 2020, जगह लोंगेवाला जैसलमेर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। भारत माता की। पाकिस्तानी सीमा से सटे लोंगेवाला बॉर्डर पोस्ट पर तैनात जवानों का जोश उस वक्त हाई हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली मनाने अचानक उनके बीच पहुंच गए। दिवाली पर अपनों से दूर ड्यूटी पर तैनात जवानों का सीना प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर और चौड़ा हो गया। पीएम मोदी ने परिवार के सदस्य की तरह जवानों से बातचीत की और उन्हें मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदर पूर्वक नमन करता हूं। पिछली दिवाली पर देश ने पीएम मोदी की एक ऐसी तस्वीर देखी जिसने हर हिंदुस्तानी के हौसले को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने जैसलमेर में सेना के टैंक की सवारी की जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने वाले नए हिंदुस्तान के जज्बे का प्रतीक थी। यहां जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 1971 के युद्ध में हिंद के शेरों के पराक्रम को याद किया और पाकिस्तान को सख्त संदेश भी दे दिया। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे। साल 2019, जगह राजौरी जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। 2020 में पीएम मोदी ने जहां रेगिस्तान के रण में सैनिकों के बीच दीपावली मनाई, तो इससे पहले 2019 में वो जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में जवानों के बीच दीपों के त्योहार को मनाने पहुंच गए। पीएम मोदी की 2019 की दिवाली भी जवानों के नाम रही। राजौरी में तैनात जवानों को पीएम मोदी ने हर बार की तरह मिठाई खिलाई और उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी यहां राजौरी सेक्टर में तैनात जवानों के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करना नहीं भूले और सैनिकों की वीरता को सलाम किया। साल 2018, जगह हर्षिल उत्तराखंड, भारत चीन बॉर्डर। साल 2018 की दिवाली प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड के हर्षिल में सेना और आईटीबीपी के जवानों के बीच मनाई। पीएम ने खुद जवानों का मुंह मीठा कराया। उत्तराखंड का हर्षिल वो छावनी इलाका है जो उत्तरकाशी जिले में भारत चीन सीमा के करीब 7,860 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चीन लगातार चालबाजी करता है और देश के जवान उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यहाँ पीएम मोदी ने जवानों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे दुर्गम इलाकों में उनका कर्तव्य, लगन और साहस ही है जो पूरे देश को सलामत रखता है। जल हो, नभ हो, अल हो, हमारी सेना का सामर्थ्य बढ़ता चले, पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते चले, राष्ट्र रक्षा करते चले, इसी एक भावना के साथ मैं फिर एक बार दीपावली के पावन पर्व पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मेरी तरफ से दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ
आपके यहां दोस्तों को भी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके बीच आकर के आईटीबीपी के जवानों के साथ, फौज के जवानों के साथ मुझे इस दीपावली का पर्व मनाने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2017, जगह गुरेज, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। 2017 में जब पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे, पहाड़ों पर हिंद की जय जयकार सुनाई देने लगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये प्रधानमंत्री रहते हुए जवानों के बीच चौथी दिवाली थी। यहां जवानों का जज्बा देखने लायक था। पीएम मोदी यहां जवानों से दिल खोल कर मिले। इस दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी उनके साथ थे। गुरेज सेक्टर में पीएम मोदी ने बीएसएफ जवानों को फिट रहने का मंत्र दिया और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी भी दी। तो आप लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है। जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती, नई ताकत आ जाती। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से पीएम अपनी हर दिवाली जवानों के बीच ही मनाते हैं। वो जवानों को अपना परिवार समझते हैं और उन्हें कभी ऐसा नहीं लगने देते कि वो अपनों से दूर अपने कर्तव्य पथ पर अकेले डटे हैं, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुखिया भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त तैयार खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। पीएम मोदी ने 2014 में जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला तब से देश के जवान और उनका सम्मान उनके लिए सर्वोपरि रहा। 2014 में सारी परंपराएं तोड़ जवानों संग पीएम के दिवाली मनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2021 तक लगातार जारी है। बात अगर साल 2016 की करें तो इस साल दिवाली पर पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भारत चीन बॉर्डर पर जवानों के बीच दिवाली मनाने पहुंचे। पीएम ने किन्नौर के सुमडो और छांगो पहुंचकर आईटीबीपी, सेना और डोगरा स्काउट के जवानों के साथ दिवाली मनाई। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि ये मुलाकात प्रधानमंत्री और जवानों की नहीं बल्कि दोस्तों की मुलाकात है। मौका दिवाली का था तो सेना के जवानों और प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पीएम ने सेना की हौसला अफजाई की, कहा जब आप जागते हैं तो देश सो पाता है। कई वर्षों से दीपावली के दिन देश की सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिनके कारण देश सुख चैन की जिंदगी जी सकता है, जब आप जगते हैं तब वो सोते हैं। अगर आप न जगते तो उनके नसीब नींद भी नहीं होती। साल 2015 में पीएम मोदी ने पंजाब में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पंजाब में 2015 की दिवाली का खास मतलब था। 2015 वो साल था जब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत के 50 साल पूरे हुए थे। भारत माँ के वीरों ने 1965 में अब तक ने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को चार चांद लगा दिए थे। साल 2014 इतिहास में उस साल के तौर पर दर्ज हो गया है जब पीएम मोदी ने जवानों के संग दिवाली मनाने की इस ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की। मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर जवानों संग अपनी पहली दिवाली मनाने वो देश की सबसे ऊंची सरहद पर पहुंचे।
दुनिया की सबसे जोखिम वाले सियाचिन के बैटलफील्ड में पीएम ने अपनी पहली दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सियाचिन की खून जमा देने वाली -40 डिग्री ठंड में तैनात देश के रक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहे, बल्कि 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी ने जो नींव रखी, वो साल 2021 तक बदस्तूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिखा दिया है कि अगर देश के जवान सरहद की निगरानी में दिन रात पूरी मुस्तैदी के साथ जान की परवाह किए बिना अकेले डटकर खड़े हैं, तो 130 करोड़ हिंदुस्तानी भी हिम्मत और हौसले की ढाल बनकर हर वक्त उनके साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात करते हैं अयोध्या की दिवाली की। कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए और इस दौरान पूरी अयोध्या रोशनी से जगमगा उठी। अयोध्या में 12 लाख दिए जलाए गए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कई केंद्रीय मंत्री अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल हुए। देखिए कितना खूबसूरत ये पूरा नजारा था, और ये उस समय की तस्वीर जब वर्ल्ड रिकॉर्ड एक और नाम भारत के, वो भी अयोध्या में दीपोत्सव की वजह से हुआ। देखिए एक और रिकॉर्ड, 12 लाख दिए से एक साथ जगमगाया पूरा ये क्षेत्र, और इसके साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। पिछले अगर अभी तक हम बात करें, ये 5वां साल है जब एक के बाद एक रिकॉर्ड अयोध्या में हमने देखे भी। इसके पहले खासतौर से अगर हम अयोध्या के राम की पैड़ी की बात करें, तो सिर्फ राम की पैड़ी पर ही करीब 9 लाख दिए जगमगाए, और इतनी खूबसूरती यहाँ पर नजर आई, इतना खूबसूरत नजारा यहाँ पर था, वो वाकई में देखते ही बन रहा था। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर पूरे राम सीता लक्ष्मण का चित्रण जगह जगह किया गया। बिल्कुल ठीक उसी तरह से यहाँ पर अयोध्या को सजाया गया जैसे त्रेता युग में श्री राम के वनवास से वापस लौटने पर पूरा जगमग उठा था ये पूरा अयोध्या। ठीक उसी तरह की तस्वीर इस बार भी नजर आई। यहाँ पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं।